हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास सेवन्थ हिस्ट्री। इस पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 4, द मुगल एम्पायर। देखिए, इस सेशन के अंदर हम कुछ इम्पोर्टेंट मुगल रूलर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो साथ के साथ आप उनको नोट भी करते रहिए जो हम पॉइंट्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मुगल एम्प्रेस में सबसे पहला जो शासक था वो था बाबर। ठीक है, बाबर ने मुगल सत्ता की स्थापना की थी भारत के अंदर, और जो फर्स्ट बैटल हुआ था पानीपत के अंदर, तो उसमें बाबर ने हराया था इब्राहिम लोदी को। तो इब्राहिम लोदी कौन था, जो हमने पढ़ा था चैप्टर 3 में। ठीक है, चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, और लोदी डायनेस्टी से बिलोंग करता था। तो अंतिम शासक को हराया था बाबर ने दिल्ली सल्तनत के पानीपत के पहले बैटल के अंदर, पहले युद्ध के अंदर। फिर देखिए, जो सेकंड बैटल था वो था बैटल ऑफ खानवा। ठीक है, जो खानवा का बैटल था उसमें बाबर ने हराया राणा सांगा को। राणा सांगा एक राजपूत रूलर था। तो बैटल ऑफ खानवा हुआ था 1527 बिटवीन बाबर एंड राणा सांगा। नेक्स्ट जो बैटल है वो है बैटल ऑफ चंदेरी। चंदेरी का जो बैटल हुआ था वो हुआ था बाबर और मेदिनी, बाबर और मेदिनी राय। बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। ठीक है, मेदिनी राय भी एक राजपूत था, लेकिन वो भी बाबर से हार गया था। इसके बाद देखिए, जो फोर्थ बैटल है 1529 का, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट बैटल है जिसको बोला जाता है बैटल ऑफ घाघरा। ठीक है, ये जो बैटल है वो किसके बीच में हुआ था, बंगाल प्लस बिहार ने मिलकर के, बंगाल और बिहार के जो राजा थे उन्होंने मिलकर के बाबर का सामना किया था, और इस बैटल को बोला जाता है बैटल ऑफ घाघरा। और इस बैटल की एक विशेषता है कि ये जो बैटल है वो लैंड एंड वाटर, ठीक है, ज़मीन और पानी दोनों जगहों पर लड़ा गया था। ठीक है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट आता है फिर 1530 में जो है बाबर की डेथ हो गई, और इसको कहाँ पे दफनाया गया, काबुल में। ठीक है, काबुल में इसको दफनाया गया। इसके अलावा बाबर की एक आत्मकथा है जिसका नाम है बाबरनामा। ठीक है, बाबरनामा के नाम से इसकी एक आत्मकथा है, और इसका फारसी में अनुवाद किया था, फारसी में ट्रांसलेट किया था इसको अब्दुल रहीम खान खाना ने इसको फारसी में ट्रांसलेट किया था। तो ये कुछ बाबर के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। और एक पॉइंट और देख लीजिए बाबर के बारे में, इसके बाबर के 4 बेटे थे। ठीक है, जिनमें से पहले बेटे का नाम है हुमायूं, फिर दूसरा था मिर्जा कामरान। ठीक है, मिर्जा कामरान, नेक्स्ट है अस्कारी, और इसके चौथे बेटे का नाम था हिंदोल। ठीक है, तो इनको भी आप नोट कर लीजिए। तो इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हुमायूं के बारे में। हुमायूं का जो शासनकाल था वो था 1530 से 1540 तक, और फिर 15 इयर्स का गैप था, वो हम बताते हैं आगे पढ़ते हैं क्यों था वो 15 इयर्स का गैप।
तो 1530 से 1540 तक रहा, फिर 1505 से 1556 तक। तो ये हम देखते हैं आगे। तो सबसे पहला पॉइंट है इसका, हुमायूं डिवाइडेड हिज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज फादर। हुमायूं ने अपने फादर की इच्छा से, जो उसके पिता चाहते थे, बाबर जो चाहता था, तो उसकी इच्छा के अनुसार हुमायूं ने अपने भाइयों को कुछ संपत्ति दे दी, कुछ राज्य, कुछ टेरिटरीज दे दी उनको। हिज ब्रदर्स वर ईच गिवन ए प्रोविंस, तो उनको हर एक को एक प्रांत दिया गया शासन करने के लिए। द एम्बिशंस ऑफ हिज ब्रदर मिर्जा कामरान वीकेंड हुमायूं कॉज अगेंस्ट अफगान कॉम्पिटिटर्स। जो मिर्जा कामरान था हुमायूं का ब्रदर, ठीक है, उसने हमेशा हुमायूं को कमज़ोर करने की कोशिश की। जो अफगान के खिलाफ जो वो अभियान चलाता, तो उसको हमेशा कमज़ोर करने की कोशिश करता वो। आगे पढ़ते हैं, शेर खान डिफीटेड हुमायूं एट चौसा। ठीक है, शेर खान ने हुमायूं को हराया चौसा के युद्ध के अंदर। देखो, शेर खान को शेर शाह सूरी के नाम से भी जाना जाता है, शेर शाह सूरी, ठीक है, इसके नाम से भी जाना जाता है। तो शेर खान ने या शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था बैटल ऑफ चौसा, चौसा के अंदर, और कन्नौज के बैटल में भी हुमायूं हार गया था शेर खान से। और फिर हुमायूं को जो है ईरान भागना पड़ा था मजबूर होकर के। तो वहाँ पर हुमायूं को जो है साफिद शाह की मदद मिली ईरान के अंदर, ठीक है। इन ईरान हुमायूं रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम साफिद शाह। ही रिकैप्चर्ड दिल्ली इन 1555। फिर साफिद शाह की मदद से हुमायूं ने दिल्ली को फिर से अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन उस समय जो शेर खान, जो सूर डायनेस्टी है जिसका संस्थापक शेर खान है, तो उस समय शेर खान जो है वहाँ का राजा नहीं था, दिल्ली उसके कब्जे में नहीं थी। तो 1555 में हुमायूं ने जो है किसको हराया था, सिकंदर शाह को हराया था। सिकंदर शाह जो था वो शेर खान का उत्तराधिकारी था, ठीक है, सिकंदर शाह को हरा करके हुमायूं ने दिल्ली को अपने कब्जे में लिया। बट डाइड द नेक्स्ट ईयर आफ्टर एन इंसिडेंट इन हिज बिल्डिंग। लेकिन अगले ही साल उसकी डेथ हो गई एक दुर्घटना के कारण एक बिल्डिंग में। तो दुर्घटना क्या थी, देखिए, तो जब अकबर एक पुस्तकालय से नीचे आ रहा था, सीढ़ियों से आ रहा था, तो सीढ़ियों से नीचे गिर करके हुमायूं की डेथ हुई थी। और उस पुस्तकालय का जो नाम था वो था शेर मंडल। नेक्स्ट आगे हम पढ़ते हैं अकबर के बारे में। अकबर वाज 13 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही बिकेम एम्परर। अकबर 13 साल का था जब वो सम्राट बना था। बहुत ही छोटी उम्र में अकबर को सम्राट बनाया गया था। और अकबर का जो संरक्षक था, मतलब जो उसका पैट्रोन था, रिजेंट था, उसका नाम था बैरम खान। उसका सेनापति भी था बैरम खान। तो हम अकबर के जो रूलिंग फेज हैं वो 3 पीरियड्स में डिवाइड किए गए हैं। तो हम तीनों पीरियड्स को एक एक करके पढ़ेंगे। और इसका जो रूलिंग टाइम है अकबर का वो 1556 से 1605 तक। तो इसको ही पढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट फेज पढ़ते हैं पहले। इन 15 अकबर बिकेम इंडिपेंडेंट ऑफ द रिएजेंट बैरम खान एंड अदर मेंबर्स ऑफ हिज डोमेस्टिक स्टाफ। तो ये वो टाइम पीरियड था जब अकबर इंडिपेंडेंट हुआ, स्वतंत्र हुआ, ठीक है। बैरम खान ने जो है उसका संरक्षक था, और जो उसका डोमेस्टिक स्टाफ था, मतलब जो घरेलू जो उसकी देखभाल करते थे, जो वो 13 साल तक का हुआ था, जो गद्दी पे बैठा था, उसमें वो स्वतंत्र हुआ राज करने के लिए। मिलिट्री कैंपेन्स वर लॉस्ट अगेंस्ट सूरीज। जो सूर डायनेस्टी थी, सूरीज के खिलाफ मिलिट्री कैंपेन शुरू किए अकबर ने। एंड अदर अफगान्स अगेंस्ट द नेबरिंग किंगडम्स ऑफ मालवा एंड गोंडवाना। और जो दूसरे नेबरिंग जो पड़ोसी राज्य थे उनके ऊपर उसने अटैक किया।
जैसे मालवा और गोंडवाना के ऊपर, एंड टू सुप्रेस द रिवोल्ट ऑफ हिज हाफ ब्रदर मिर्जा हकीम। और जो उसका हाफ ब्रदर था, मतलब जो उसका सौतेला भाई था मिर्जा हकीम, तो उसका विद्रोह दबाने के लिए भी उसने नए कैंपेन स्टार्ट किए। एंड उज़्बेक्स, हमने उज़्बेक्स के बारे में पढ़ा है पार्ट वन में। उज़्बेक्स कौन थे? मंगोल्स के कॉम्पिटिटर्स, जो हमेशा मंगोल से लड़ते रहते थे, ठीक है। तो उज़्बेक्स हमेशा से ही मुगल्स के कॉम्पिटिटर्स रहे हैं। तो उसने मिर्ज़ा हकीम और उज़्बेक्स के खिलाफ अपने अभियान जारी रखे अकबर ने, और सूरज को भी उन्होंने हराया। इन 1568 द सिसोदिया कैपिटल ऑफ चित्तौड़ वाज सीज्ड। 1568 के अंदर जो सिसोदिया राजधानी है, कैपिटल ऑफ सिसोदियाज डायनेस्टीज की जो कैपिटल है चित्तौड़, उसको उन्होंने कब्जे में कर लिया, और फिर रणथंबोर को भी कब्जे में कर लिया 1569 में। आगे हम देखते हैं सेकंड और थर्ड फेज। सेकंड फेज देखिए, 1570 से 1585 तक मिलिट्री कैंपेन्स इन गुजरात वर फॉलोड बाय कैंपेन्स इन द ईस्ट इन बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। मिलिट्री कैंपेन्स चलाए गए, सेना अभियान चलाए गए, ठीक है, नए राज्यों पर कब्जा करना शुरू किया। तो सबसे पहले गुजरात में, फिर बंगाल, बिहार, उड़ीसा के अंदर। दीज कैंपेन्स वर कॉम्प्लिकेटेड बाय 1579-1580 रिवोल्ट। फिर इन कैंपेन्स को और ज़्यादा मुश्किल बना दिया गया अकबर के लिए। किसने मुश्किल बनाया? जो उसका हाफ ब्रदर था मिर्ज़ा हकीम, उसने रिवोल्ट कर दिया था, विद्रोह कर दिया था अकबर के खिलाफ। नेक्स्ट थर्ड फेज देखिए, इन 1585-1605 एक्सपेंशन ऑफ अकबर एम्पायर। इस टाइम पे अकबर का जो एम्पायर था, साम्राज्य था, उसका बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ, फैलाव हुआ। कैंपेन्स वर लॉन्च्ड इन नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में नए अभियान चलाए गए। कैंपेन मतलब अभियान। कांधार वाज सीज्ड फ्रॉम साफिद्स, ठीक है, कांधार को छीन लिया गया साफिद से। कश्मीर वाज एनेक्स्ड, कश्मीर को भी अपने कब्जे में ले लिया, और काबुल को भी। आफ्टर द डेथ ऑफ मिर्ज़ा हकीम, मिर्ज़ा हकीम की डेथ के बाद। कैंपेन्स इन दक्कन स्टार्टेड, दक्कन में भी कैंपेन स्टार्ट किए गए। बेराड, खांडेश एंड पार्ट्स ऑफ अहमदनगर वर एनेक्स्ड, ठीक है, अहमदनगर जो है बहुत ही बड़ा साम्राज्य रहा है, तो उसको भी छीन लिया गया अकबर के द्वारा। इन द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज रेन अकबर वाज डिस्ट्रैक्टेड बाय द रिबेलियन ऑफ प्रिंस सलीम द फ्यूचर एम्परर जहांगीर। तो अंत के सालों में, जब 17th सेंचुरी के अंदर, 1600 से लेकर के 1605 तक, तो ये जो 5 साल रहे, इसमें उसका जो ध्यान है वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, प्रशासन से हट गया। और जो उसका प्रिंस था, राजकुमार था, जो अकबर का बेटा था प्रिंस सलीम, ठीक है, उसने विद्रोह कर दिया। द फ्यूचर जहांगीर, तो भविष्य में उसको जहांगीर के नाम से जाना गया। तो देखिए, हम इसके अंदर कुछ और इम्पोर्टेंट बैटल्स देख लेते हैं, जैसे कि अकबर ने कुछ इम्पोर्टेंट बैटल लड़े। बैटल ऑफ हल्दीघाटी, ठीक है, वो सेकंड फेज के अंदर हुआ था। बैटल ऑफ हल्दी ठीक है, तो ये हुआ था 1576 के अंदर, ठीक है, 1576 किसके बीच में? अकबर और महाराणा प्रताप के अंदर, महाराणा प्रताप के बीच में ये बैटल हुआ था। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बैटल थे जो हमने पढ़े। इसके अलावा इसने कुछ और अभियान चलाए, जैसे कि इबादत खाने की स्थापना की इसने फतेहपुर सीकरी के अंदर। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। मालवा के अंदर, मालवा को इसने जीता इंडिपेंडेंटली, बिना बैरम खान की मदद से।
1561 में, जो बाज बहादुर से लड़ करके मालवा को अपने कब्जे में किया। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि जो अकबर का रिवेन्यू मिनिस्टर था, ठीक है, रिवेन्यू का क्या मतलब होता है, रिवेन्यू का मतलब होता है कि जो राज्य का जो टैक्स है, जो कर है, वो कौन इकट्ठा करेगा, मतलब किसके शासन में आता था ये, तो उसका नाम था टोडरमल। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो अकबर का रिवेन्यू मिनिस्टर था टोडरमल। इसके बाद देखिए जहांगीर को जो शासनकाल था, जिसका बचपन का नाम था सलीम, तो उसका शासनकाल था 1605 से 1627। इसने भी मिलिट्री कैंपेन्स जारी रखे, जो अकबर ने सेना अभियान चलाता था अलग अलग जगहों पर, तो वैसे ही मिलिट्री कैंपेन्स जहांगीर ने भी जारी रखे। द सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़ अमर सिंह एक्सेप्टेड मुगल सर्विस, जो मेवाड़ का सिसोदिया शासक था, जिसका नाम था अमर सिंह, उसने मुगल सत्ता को अपना लिया। लेस सक्सेसफुल कैंपेन्स अगेंस्ट सिक्स अहोम्स एंड अहमदनगर फॉलोड, लेकिन कुछ ऐसे कैंपेन्स भी रहे जो ज़्यादा सफल नहीं रहे, ठीक है, जैसे कि सिखों के खिलाफ या अहोम्स या अहमदनगर। ठीक है, सिखों के खिलाफ अगर हम बात करें तो जहांगीर ने जो सिख हैं उनके जो पांचवें गुरु हैं उसको मारने का ऑर्डर दिया था। ठीक है, सिखों के जो पांचवें गुरु थे, फिफ्थ गुरु ऑफ सिख, ठीक है, सिखों के पांचवें गुरु थे गुरु अर्जन देव। ठीक है, तो अर्जन देव को मारने का आदेश दिया था जहांगीर ने। इसके बाद जो जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र था, उसका नाम था, सबसे बड़ा जो बेटा था उसका नाम था खुसरो। ठीक है, और जो इसका फ्यूचर एम्परर था, मतलब जहांगीर के बाद जो मुगल डायनेस्टी का जो राजा बना था, वो था प्रिंस खुर्रम, जिसको फ्यूचर एम्परर शाहजहां भी बोला जाता है। सो प्रिंस खुर्रम रिबेल्ड इन लास्ट इयर्स ऑफ हिज रेन, तो प्रिंस खुर्रम ने जो है जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया उसके अंतिम शासनकाल के दौरान। द एफर्ट्स ऑफ नूरजहां, ठीक है, नूरजहां कौन थी, जहांगीर की वाइफ, ठीक है, जिसका असली नाम था मेहरुन्निसा, ठीक है, मेहरुन्निसा, तो जिसे नूरजहां के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके बाद इसकी वाइफ ने क्या किया, द एफर्ट्स ऑफ नूरजहां जहांगीर वाइफ टू मार्जिनलाइज हिम वर अनसक्सेसफुल। ठीक है, तो जो उसको मार्जिनलाइज का मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति को हाशिए पे ढकेलना, किसी को राज्य से बाहर निकाल देना, किसी के साथ भेदभाव करना, तो ऐसा वो शाहजहां को करने से नहीं रोक पाए। ठीक है, उसका प्रिंस खुर्रम का जो रिबेल है वो जहांगीर के खिलाफ जारी रहा। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और है कि जो जहांगीर है उसने प्रिंस खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। ठीक है, जो शाहजहां का जो टाइटल है वो जहांगीर ने दिया था। और इसके बाद जब जहांगीर की डेथ हुई थी तो इसका जो मकबरा है वो किसने बनवाया था, वो बनवाया था नूरजहां ने, ठीक है, इसकी वाइफ ने। और जहांगीर को दफनाया गया था जो शहादरा रिवर है, ठीक है, शहादरा नदी के किनारे, शहादरा रिवर। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जहांगीर के बारे में। आगे के कुछ जो मुगल रूलर्स हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अभी के लिए इस सेशन के अंदर, इस पार्ट में हम इतना ही करेंगे।
थैंक यू।